लोग सिर्फ एक मजाक है, इसे मजाक तक रखें, ठीक है। और इसमें मैंने क्या नाम है, कई गलतियां की हैं, तो उन्हें इग्नोर करें और एंजॉय करें लोग को। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Hello G, we are back with another vlog. तो भाई आज मैंने दो दिन पहले पूछा था कि मैं किसकी एक्टिंग करूँ व्लॉग, मतलब किसकी एक्टिंग करके व्लॉग बनाऊँ। तो किसी ने तो कमेंट किया नहीं, तो तुम्हारे भाई ने अपने ही फेक अकाउंट से जाके कमेंट कर लिया और वहाँ पे लिख दिया डकी भाई और गरीबों। तो भाई आज का व्लॉग जो होने जा रहा है, आपको पता चल ही गया होगा कि हम बना रहे हैं डकी भाई की तरह। हाँ, तो भाई ठीक हो गया ना, आज का व्लॉग हम बना रहे हैं डकी भाई की तरह। डकी भाई की रूह बढ़ गई है मेरे बीच में, ठीक है। तो अब मेरी एक्टिंग देखो, लास्ट एक्टिंग क्या करना भाई की। तो चलो फिर, मैं अभी सीन कुछ ये है कि ना मैं सोया ही नहीं, सारी रात सोया ही नहीं, ठीक है। दिन तो हुआ नहीं वैसे, मैं सारी रात फिर भी नहीं सोया, दो बजने लगे हैं, ठीक है। और मैंने जाना है सुबह कॉलेज जाना है सुबह, तो सुबह कॉलेज जाना है। तो अब सीन कुछ ये है कि अब जाके सोते हैं, ठीक है, सुबह उठ के, क्योंकि मेरे से व्लॉग होता नहीं स्टार्ट, मैं नींद में होता हूँ, ठीक है। तो व्लॉग फिर स्टार्ट नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर सुबह मिलते हैं कॉलेज जाते हैं। तो हाँ जी, उठ गए हैं हम, और सीन कुछ ये है कि उठे हैं हम 1 बजे और 1:30 बजे है जुम्मा, तो हमने पढ़ने जाना है जुम्मा, ठीक है। तो जुम्मे के लिए हो रहे हैं लेट जाके, अब नहाते हैं और नहा के फिर दांत दूँ ब्रश करके फिर मिलते हैं आपसे ना, फिर मिलते हैं और जुम्मा पढ़ने चलते हैं। पहली बड़ी देर हो गई, अच्छा वैसे मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा था, चलो जुम्मा पढ़ के आते हैं। नहान हो के हो गए हैं हम फारक, और देखो रोज की तरह कमरे की हालत क्या हुई हुई है, कमरा की तरह गंदा हुआ हुआ है। मेरा कमरा गंदा गंदा तो नहीं है, छोड़ो, हम डक्की भाई है ना, डक्की भाई का कमरा गंदा ही होता है। तो भाई तो अभी सीन कुछ ये है कि अभी तुम्हारी भाभी का आया था फोन, भाभी भाभी कहाँ से लेके आए हैं आप, है ना भाभी मेरे पास, रुको मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूँ। तो भाई कॉल कर रही है, देखते हैं उठाता कि नहीं, ओह उठाती हैं कि नहीं। आपकी भाभी बनाया ना एक दिन के लिए, उठा लो उठा लो उठा लो, उठा भी लो यार, बड़ा कीमती है ये, इसे नहीं फेंकना। तो यार ये तो कॉल उठा नहीं रही, घर ही जाना पड़ेगा इसके। कि तुमने देखा तुम्हारी भाभी फोन ही नहीं उठाती मेरा, छोड़ो यार अभी जाके इसके घर जाके उठा के लाते हैं इसको, हैं यार मैं फ्लो से बाहर जा रहा हूँ। तो भाई तुम्हारी भाभी ने तो फोन उठाया नहीं, तो अब हम कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, ठीक है। कपड़े अब कहाँ से निकालू यार कपड़े, हाँ वो जो मैं लेके आया था कपड़े, वो ले कपड़े ढूंढते हैं यार। यार मुझे ना कपड़े ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर वाले मुझे इस्त्री कर देते हैं, अभी नहीं पहन लेते हैं यार, और क्या कर सकते हैं। ये कपड़े शपड़े पहन लिए, फुल पप्पू बच्चा बन गया है, ठीक है, ये देख सकते हो तुम। और अब तुम्हारी भाभी को करती हैं फ़ोन, तो वो उठा रही है, देखते हैं उठाती है कि नहीं, अगर उठा लेती है तो क्या नाम है, फिर चलते हैं जुम्मा पढ़ने, और नहीं उठाती तो अकेले जाना पड़ेगा। ये तो बात गलत है यार, अकेले जाना पड़ता है, ये हर दफ़ा मुझे कहता है साथ लेके जा, मेरी दफ़ा नहीं आता। तो चलते हैं फिर जाके बाल बुल ब्रश करते हैं और फिर जुम्मा पढ़ के आते हैं। कुछ ये हुआ है कि मुझे एक लड़की का आया है फ़ोन, ठीक है, और एक लड़की का फ़ोन आया, मैं परेशान, मैं कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने मुझे आगे से बोला क्या है, उन्होंने मुझे क्या, आपने जो ऑर्डर किया था वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, बाहर से पता नहीं चाइना से आ रहा था, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, तो वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और वो आपको मिल जाएगा आपके टाइम पे, तो दराज को मुंतखब करने के लिए आपका शुक्रिया। हंसते चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, वह मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। अभी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है बाहर, सिविक तो मेरे पास आया नहीं, पैदल जाएंगे ना अब गर्मी में, सिविक सब्सक्राइब करो, सिविक भी ले लेंगे। सीट कुछ है कि आपकी भाभी सामने से आएंगी आपको, आपकी भाभी से भी मिलवाते हैं। गर्मी 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 जल गया यार, बुरी गर्मी है, कसम से पीछे से धूप पड़ी है, और ना वो कमीज़ पे पड़ी है, कमीज़ मैंने बनवा नहीं पहनी, मैं सड़ गया मर गया यार, जल गया, मुझे बचा दो। तो यार अभी मैं ना डक्की भाई की तरह नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि ना मैं बैठा हुआ हूँ मम्मी के घर, पढ़ने आए हुए हैं हम, और आपको आपकी भाभी से भी मिलवाने लगूँ मैं, ठीक है। तो 2 मिनट
भाभी का फेस रिवील हो गया आज के दिन, क्योंकि मैं डकी भाई हूँ तो ये आपकी भाभी है। ठीक है चल बंद कर ले मेरा भैया, पढ़ना भी है। हमने बैग दिखाओ यार, ये देखो बैग। ये वो बच्चा जो कह रहा था फारक राग की करना पढ़ के, और आज मुझे कह रहा है पढ़ना भी है, पेपर आ गए हैं तो आप पढ़ते हैं। मोबाइल को रखते हैं साइड पे, 5 बजे मिलते हैं। तो जद्दोजहद चल रही है, सख्त जद्दोजहद, ये देख सकते हैं आप। मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है क्या हो रहा है। नौमी और फिजिक्स, वाओ। वो भाई 2 बजे पढ़ने बैठे थे और बज गई हैं 5, 5 बज गए हैं। तुम्हारे भाई ने पूरे के पूरे तीसरा चैप्टर याद कर लिया है, और अजान हो रही है, अजान के बाद मिलते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा खाना आ चुका है। नुमी भाई ने बिरयानी बनवाई है। ठीक है, हम पढ़े थे तो नुमी भाई ने कहा आज ज़रा कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, तो आज हम ना, नुमी भाई कह रहे हो सॉरी भाभी, आपकी भाभी ने खाना बनवाया हमारे लिए। ये देख सकते हैं साथ में दही। तो अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। खाना खुना खा के फारिग हो गए हैं और अब आपकी भाभी को छोड़ते हैं घर और चलते हैं अपने घर। यार घर जाके हमने काम भी करने हैं बड़े, अब चलते हैं घर। ठीक है, भाभी को बाय बाय कह दें। आई लव यू। ऊंची बोल, मेरा माइक फारक है। आपकी भाभी के घर से मैं आ गया था वापस। ठीक है, और यार सीरियसली नहीं लेना भाभी को भाई, दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड एवर। जब हम 2 साल के थे उस टाइम से हम साथ हैं। ठीक है, तुम सीरियस में उसे भाभी बना दो तो भाभी वो भी सीन कोई नहीं है। दोस्त है मेरा, दोनों लौंडे बात समझ रहे हो, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अब सीन कुछ ये है कि सबसे पहले हमने करने हैं कपड़े चेंज। अब मैं क्या करूँ, देखिए भाई तुमने कपड़े उठाते हैं इधर उधर कमरे से, ठीक है, अलमारी से तो निकालते नहीं, अलमारी से निकाल के ला के मुझे इधर कहीं छुपाने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे भी निकालने पड़ेंगे, तो यही करना पड़ेगा। वो करते हैं भाई, अब देखते हैं कपड़े किधर पड़े हैं। और ये देखो, ओहो पेंट ये पड़ी है। ठीक है, और शर्ट, हाँ शर्ट मैं लेकर आया था, वो मैंने उधर फेंकी थी। शर्ट भी मिल गई है, अब कपड़े चेंज करते हैं टिकटॉकर स्टाइल में, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो मैं टिकटॉकर लगती हूँ शक्ल से। हैं यार ये देखो, ये ड्रेसिंग कैसी है, नीचे शलवार ऊपर शर्ट। बात बताना मुझे, लड़के जो लोग देख रहे हैं उनके साथ भी यही होता है। ये देखो, ये जो ब्लैक पैंट है ना, ये ब्लैक पैंट, ये 3-4 दफ़ा पहनने के बाद ना ये वाइट होती जाती है यार, ऐसा ऐसा जितना इसे पहनो उतनी वाइट होती है। तो मुझे बताना ये तुम्हारे साथ भी यही होता है या मेरी पैंट ही सारी ऐसे होती है यार। तो भाई 12 बज गए हैं रात के, और तुम्हारा भाई अभी तक थंबनेल ही नहीं बना पा रहा। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार, कसम से समझ ही नहीं लग रही। मैं कभी ऐसी शक्लें बना रहा हूँ, मैं कसम से क्लिप ऐड कर दूँ ना उसमें वो शक्लों वाली, तुम खुद डर जाओगे मैं कैसी कैसी शक्लें बना रहा हूँ, लेकिन थंबनेल ही नहीं बन रहा। अब क्या करूँ यार, वही सोच रहा हूँ। और मुझे अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अब कुछ खाते हैं पहले, उसके बाद सारा कुछ देखेंगे। हैं भाई खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, फ्रिज भी चेक कर लिया, फ्रिज में भी कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद मामा भी सो गई हैं और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। तो मैं तो भाई बनने वाली हालत है मेरी भाई, बहुत बहुत एंड लेवल भूख लग रही है, और आवाज़ आ रही है बड़े मज़े की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ग्राउंड में इस टाइम मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ कि घर में सारे सो गए हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है, वड़ गए भाई मैं तो, छोड़ दो तुम। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर मैं बच गया तो, हैं अगर बच गया तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक ये बाय। बस की बात है, एक बात बताऊँ, मैं बाहर से अंदर क्यों आई हूँ, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने बाहर जा के ना, रात का पता क्या, 1 बज रहा। ठीक है, बाहर जा के वीडियो बनाना शुरू किया ना, एकदम हवा चली है, कसम से फुल अंधेरा था, मेरी फट गया हाथ में आ गई, मैं चुप करके मोबाइल बंद किया, बाय बाय करके अंदर आ गया। ठीक है, doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled, it's so cold outside, I'm alone.